तो हे व्हाट्सअप गया कैसे हैं ही आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का एक और न्यू रेंज सेमटर के फ्रेश एपिसोड के अंदर और गई आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था बट हाँ मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे चीज़ गेम के अंदर ऐड कर दी और बहुत सारे चीज़ें मतलब अपने रेंज के अंदर बना के डाल दिए बट हाँ गई एपिसोड काफी लेट आ रहा है और अब हाँ हम लोग एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे वीडियो के थ्रू ही और लाइव स्ट्रीम भी करेंगे तो गई ये रही बात की बात बट गई आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे प्लैंग को बाई और सबसे पहले आप यहाँ पे देखो मेरे पास ये वाला घर है जो कि अपना सिंपल सा फार्म हाउस है और इसके बाद आप यहाँ पे देखो मेरे पास एक और फार्म हाउस है और इसके अलावा आप यहाँ पे देखो यहाँ पे अपना मुर्गी का पूरे तरीके से बान हाउस है अपने छोटा सा पान इसलिए बनाया देखो यहाँ पे इसको मैंने खोल दिया गेट और इसको मैं बंद कर दिया और इसको मैंने खो इसको खोल दिया मैंने और इसको बंद कर दिया अब यहाँ पे देखो ये अपना सबसे बड़ा सा मुर्गी का घर है क्योंकि सबसे बड़ा सा है ये छोटा मुर्गी घर है यहाँ पे छोटा वाला है यहाँ पे एक और छोटा वाला है यहाँ पे छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है जो कि मैंने इसको कंप्लीट कर दिया और इसमें बहुत सारे मुर्गी भी है तो अभी अपना रेंज काफ़ी अधूरा काफ़ी अधूरा है क्योंकि मेरे को बहुत कुछ अभी रेंज के अंदर ऐड करने हैं तो मजे के बाद ये है एक मिनट एक काम करता हूँ रुको तो ऑल राइट गाइज अभी रात हो चुका है और सुहाना सा मौसम है चांदनी सी रात है बट गेज अभी हम लोग सो जाते हैं और सुबह में उठेंगे और गाइज बात करते हैं सुबह में क्या कर सकते हैं और हाँ कैसे आप लोग कमेंट जरूर कर रहा है कि हम लोग क्या गेम, क्या गेम के अंदर ऐड कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं आप जो बोलोगे वो हम लोग बनाएंगे वो गेम ऐड करेंगे और वो हम लोग अपने बान हाउस के अंदर या फिर रेंज के अंदर रखने वाले हैं तो ओके वो इस फाइनल सुबह हो चुका है और मेरे पास आप पिक की तादाद देखो मेरे पास कितने सारे पिक देखो मेरे पास बहुत सारे पिक भरे पड़े हैं और वेट एक सेकंड सुबह सुबह आने टाइम कैसे हम लोग एक चीज देखें जो अपना खाना देखते हैं बट यहाँ पे ऑलरेडी अपना खाना काफ़ी है तो ठीक है काम करते हैं यहाँ पे ऑल थ्रू करते हैं ओके और यहाँ पे खाना को भर देते हैं वैसे मेरे पास पैसे कितने हैं मेरे पास पैसे तीन सौ इकतीस डॉलर है और अभी अपन लोग लोन पे भी चल रहे है क्योंकि हम लोग गेम की स्टार्टिंग में लोन ले लिया था अपन लोग बट गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे पास इतने सारे पिग हैं उसके बाद ये देखो मैंने एक खुद से बनाया है इतना बड़ा सा बान हाउस और पीछे भी आप बान हाउस देखो मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि बाद में स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है समझ रहे हो और ये मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर बनाया तो सब्सक्राइब कर लो आपको रैन मेटर के एपिसोड के देखने के लिए इस चैनल के अंदर और अदर गेम के भी एपिसोड आते रहेंगे और इसके अलावा अदर गेम्स के भी कुछ टिप्स एंटर के आते रहेंगे मतलब सब कुछ अपने मिक्स कर चलेंगे ताकि बिल्कुल आप बोर ना हो और मजा आते रहे मुझे भी आपको भी तो लेट्स को बोल चलते रहे सबसे पहले अपना प्लैंक लेने के लिए और उसके बाद प्लैंग के बाद हम लोग बनाएंगे इस वाले बान हाउस को कम्प्लीट करने वाले क्योंकि लगभग हमारे रेंज के अंदर सब कुछ ठीक है बट मैं क्या सोच रहा हूँ गाइज कि अपन लोग बान हाउस को छोड़ के मुर्गी का जो है गाइज ये हम लोग कम्प्लीट करें क्योंकि अपना का मुर्गी का फार्म काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है तो एक काम करते हैं वेट वेट अ सकेंड ठीक है काम करते हैं चलो इसको बनाते हैं आज आज हम इसी को बनाने वाले हैं वैसे मेरे पास बहुत सारी लकड़ी है बट यह लकड़ी से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं क्योंकि लकड़ी को काटो काटो मतलब मेरे पास वो मशीन है भी नहीं तो एक काम करते गई ठीक है वेट इसको लेता हूँ साइड रखता हूँ मेरे पास अभी तीन सौ डॉलर है लगभग नहीं नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता एक काम करते मेरे को पिक मारने पड़ेंगे तो चलो गई पिक की हत्या करते हैं चलो मेरे दाऊ के बैठे हड़िया सामने से ओ और है अरे भैंस का लकड़ा कहाँ जा रहा है अरे अंदर आ रहे ठीक है आ जाओ ओके बॉयज इसको बुलाते अंदर बढ़िया अरे अंदर आ रहे पकला इंसान बढ़िया ओके ठीक है तो चलो यहां पे लगभग मेरे पास बहुत सारे पी है मेरे बहुत सारे पी है और इसमें बहुत सारे अंडे भी तो काम करता हूँ मैं इनमें से किसी एक को मार देता हूँ फीमेल को ना इसको मारता हूँ हट जाओ सिट गोली मेरे पास गोली नहीं है गोली नहीं है ओके मेरे पास केवल एक गोली है और इसको टपाना पड़ेगा चल मेरे त्या के बेटे ओके ठीक है बढ़िया अब खत्म अब यहाँ पे सारे पी अरे रो मत रे तेरे पापा कुछ नहीं हुआ तेरे पापा आएंगे अभी छुट्टी पे गए हैं ओके ठीक है काम करता हूँ यार ये पिग अरे एक सेकेंड एक सेकंड ओ ठीक है एक काम करते सारे पिग ले लेते हैं लगभग ये छः सौ डॉलर का होगा ना तो मैं इससे सारे प्लाइन खरीदने वाला क्योंकि अपन को जितना हो सके जल्दी जल्दी अपने मुर्गी फार्म बनाना है और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर रख देंगे बहुत सारे मेल फीमेल पिग और कॉक भी रख देंगे ताकि प्रोडक्शन भी होता रहे ठीक है ये तो भर गया ओके इसको खोलता हूँ बस इसको बंद कर दिया ओके okay बॉयज चलते हम लोग सबसे पहले अपने बर्गर शॉप पे और इसको सेल करते हैं इसको रखता हूँ यहाँ पे बढ़िया और बढ़िया आ, नहीं ठीक है ओ oh, सिट एक काम करता हूँ ओ oh, ठीक है से स्टार्ट होता है यार पता है मैं बहुत सारे गेम खेला हूँ ना तो मैं की भूल जाता हूँ कि किससे क्या क्लिक करना है किससे क्या क्लिक नहीं करना है तो लेट्स गो बॉयज बट यार कुछ भी पता है न्यू अपडेट के अंदर काफ़ी गेम के अंदर ग्लीचेज काफ़ी गेम के अंदर ग्लीचेस भर चुके हैं हद से ज़्यादा गेम के अंदर ग्लीचेस भर चुके हैं मैं क्या ही बोलूँ बट कोई देखते चलते हम लोग सबसे पहले अपन लोग नीचे और वहाँ से कुछ लाते ख़रीद के बट वेट कुछ भी कहो एक काम करते हैं और ठीक है कोई वेट ओ वेट वेट, वेट, वेट बढ़िया बढ़िया एक काम करता हूँ चलता ओ भाई क्या तगड़ा ग्लीच है भाई भाई गेम के वाले भाई गेम के डेवलपर अगर भाई कुछ करो यार गेम का कुछ भी करो यार तो ऑल राइट गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने बेस्ट बर्गर शॉप के पास वैसे मेरे को यहाँ पे आना चाहिए था क्योंकि अपने को ये सेल करना है ओके ठीक है पता नहीं अगर अच्छे खासे प्राइस मिलने वाले तो काफ़ी मजा आने वाला अरे वो सीट ठीक है वन भी कम नहीं है तो चलो अंकल ठीक है सात सौ बीस डॉलर ठीक है इस अच्छे खासे हम लोग ले पाएंगे प्लैक सब वो यहाँ पे एक और मेरा लकड़ी है भाई आई I मीन mean, एक और मेरा कूलर है तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ और ठीक है उस कूलर को मैं बाद में भी ले सकता हूँ बढ़िया ये काम करता हूँ बस ठीक है ओके ओके बढ़िया कोई दिक्कत नहीं तो चलोगे अब हम लोग को जाना पड़ेगा अपने हार्डवेयर शॉप के और वहाँ से लेते बहुत सारे वुड लकड़ी और उससे हम लोग जितना हो सके अपने को बनाना पड़ेगा बान हाउस को क्योंकि आप लोग बान हाउस को भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि देखो जितना हो सके अपन स्ट्रक्चर तो कंप्लीट कर दिए हैं पर हाँ उसको अभी बनाना बाकी है क्योंकि बनाने में जो मजा आएगा इस वो नेक्स्ट लेवल का तो काम करते हैं इसको ले चलते सबसे पहले अपने हार्डवेयर शॉप के एरिया के अंदर और इसमें जितने सारे प्लैंक हो सारे प्लैंक हम लोड आउट करते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे और सारे राइट गाइड हम लोग आ चुके हैं अपने लोड एरिया के साइड में और एक काम करते हैं मेरे पास वैसे एक प्लैंक और थी जो कि मैंने लिया नहीं था कभी लगभग एक प्लैंक के अंदर आठ मिलता है ना तो लगभग मेरे को सौ प्लैंक तो लेने पड़ेंगे ठीक है बत्तीस डॉलर ना तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सौ प्लैंक हो गए हाँ सौ प्लैंक हो गए ठीक है भाई अपन लोग प्लैंक कर लोग प्लैंक कर देते हैं वन थाउजेंड डॉलर का बत्तीस प्लैंक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उसमें बत्तीस को ज़्यादा अमाउंट का हो गया ओके okay, मेरे पास यहाँ प्लैंक ही प्लैंक हो गए बढ़िया एक काम करता हूँ सबको लोड आउट करता हूँ बट यार कुछ भी मेरे को लगता है ना कि सारे लोड आउट तो नहीं हो पाएंगे बट हाँ देखो अगर मैं अच्छे से लोड किया ना तो सारे लोड आउट हो जाएंगे और ठीक है यहाँ पे एक और मैं लगा दिया और देखो अब पाँच का पेयर बनता है तो यहाँ पे ठीक है ओ वेट ओ ठीक है बन गया पेयर यहाँ पे एक और पेयर बन गया अच्छा से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बस एक और पेयर बन गया और यहाँ पे एक और पेयर बना रहते वेट एक काम हो ठीक है यहाँ पे एक और पेयर बन चुका अपना बन गया ठीक है अगर देखो पाँच का पेयर बन रहे हैं तो लगभग लो हम लोग इसमें पच्चीस ऐड कर सकते हैं नहीं पच्चीस नहीं पंद्रह ऐड कर सकते हैं ठीक है पंद्रह बढ़िया ओ वेट ठीक है दो लग गया इसमें ओ वो वे लग गया लग गया कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं ठीक है यहाँ पे एक और लग गया प्लैंक और यहाँ पे अपना एक और प्लैंक लग गया बढ़िया ओ व्हीट वेट अ सेकंड गाइज ओ ठीक यहाँ पे एक और प्लैंक um, एक और प्लैंक यहाँ पर अपना एक और प्लैंक यहाँ पर अपना एक और प्लैंक ठीक है यहाँ पे एक और प्लैंक तो ऑल राइट गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतने सारे प्लैंक को लोड आउट कर दिया अब इनको ले चलते हैं और अपने पूरे मुर्गी फॉर्म वट वेट सीट एक बच गया अपना ठीक है एक को छोड़े थे हम लोग पता नहीं मुझे लगा कि लोड हो गया बट लोड नहीं हुआ बट कुछ भी कहो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्लैंक है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लैंक है और इससे अपन एक बार सो आराम से और आराम से बनाने वाले हैं बट आप अब वट वेट मैं जा कहाँ रहा हूँ रोड कहाँ पे नहीं यार मैं अगला जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इधर जाना ही है ना कैसे मेरे को लगा कि बेस्ट बर्गर शॉप है बट भाई ये तो अपना हार्डवेयर शॉप था मेरे को निकलना इस साइड और ठीक है आपने जल्दी सबसे पहले रेंज के अंदर और जितना हो सके अपन लोग चिकन का एरिया कंप्लीट करते हैं और उसके बाद तो हम लोग भाई यार क्या ही इधर तो भाई पूरे ग्लिच भाई, भाई पूरा गेम ग्लिच हो गया कम से कम बता तो पूरा गेम ही ग्लिच हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं हम लोग सह लेंगे देख देख रो ये कौन सा ग्लिच है भाई ये कौन सा ग्लिच है बताओ ओ वेल बढ़िया ओ वेट 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 ओर आ रहा है अपना रेंच ऑल राइट गाइज मैंने इतने सारे प्लैक लेकर पहुंच चुके हैं अपने एरिया के अंदर बट एक काम करना चाहते हैं एक समझ गाइज़ आप लोग कमेंट जरूर करना कि हम लोग क्या क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और कौन कौन से देखो फार्म हाउस के अंदर मैं सारे फार्म सारे फार्म हाउस में ऐड करने वाले समझ रहे हो तो मैं एक काम करता अभी बनाया तो इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हो तो ये रहा अपना घर और ठीक है ये पी बन गया ना और ये बचा ठीक है वेल आ, एक काम करता हूँ नहीं यार ये तो शायद नहीं एक सेकेंड नहीं यार हम एरिया साफ करने के बाद हम बनाएंगे समझ रहे हो अपन तो ये देखो चारी घर है समझ रहे हो ये घर भी यहाँ पे ख़राब लगने वाला समझ ये घर भी यहाँ पे अच्छा लगने वाला है अगर इधर मैं इस घर को कंप्लीट करूँ इधर नहीं एक मिनट मान लो कि वो घर अगर हम यहाँ पे भी कंप्लीट करें तो दिस इज नॉट बैड यार काफ़ी अच्छा लगेगा समझ हो बट यहाँ पे घर तो ऐड हो चुका है और ठीक है पहले हम लोग इतने घर को कम्प्लीट करते समझ रहे हो पहले इतने घर को कम्प्लीट करते उसके बाद हम लोग अनदर स्ट्रक्चर ही बनाएंगे या फिर क्या बोलते हो एक मिनट ते? नहीं यार मैं काफ़ी कन्फ्यूज हो रहा हूँ नहीं यार आज तो मेरे को करना है क्या ना मेरे को इस वाले कम्प्लीट करना है इसको कम्प्लीट करना है आ जाओ एक काम करते हो सीट ठीक है इसको उठाता हूँ और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ तो वो ठीक है आठ ऐड हो चुका है यार काफ़ी ज़्यादा लगने काफ़ी ज़्यादा प्लैंक लगने वाले हैं नहीं यार अब मैं बात करूँ प्लैंक वाले को तो एक काम करता हूँ यहाँ पे सुरखता हूँ यार उसके अंदर भी लग जा सकते हैं हम लोग ना वैसे मेरे पास दो ही तीन मुर्गियाँ हैं दो तीन मुर्गी भी काफ़ी कम नहीं होती है फिलहाल एक मिनट ठीक है यहाँ पे पौर के ये वाइल्ड मीट है यहाँ तक तो मुझे लगता है मैंने वाइल्ड को मारा था ये वही वही वाइल्ड मीट है इसमें लगेंगे सौ प्लैंक और फिफ्टी मेटल तो आई थिंक मेरे पास फिफ्टी मेटल है नहीं एक मिनट मेरे पास मेटल की संख्या तो होंगी ज़्यादा मुझे लगता है और अपन की पिग भी काफ़ी तरीके से सर्वाइव हो ठीक है यहाँ मेरे पास मेटल है भाई फिफ्टी मेटल मेटल है भाई मेटल, अपने पास तेरा मेटल है अपने पास मेटल कमी है नहीं है अपने पास काफ़ी ज़्यादा मेटल है तो एक काम करता हूँ इसके अंदर लगा दिया मैंने और दो मेटल और दो मेटल ओनली टू मेटल्स तो टू मेटल्स तो तो में ये घर कंप्लीट हो जाएगा यार फिर भी मेरे को लाना पड़ेगा मेटल्स साहब अच्छा कोई दिक्कत नहीं एक काम करते लेते बहुत सारे मेटल हम सभी को समझ रहे हो लेते बहुत सारे मेटल को और इसको करते कम्प्लीट सबसे पहली बात ठीक है ये ये हो गया कम्प्लीट और यहाँ तो मुझे लगता है कहा मैंने सौ प्लैंक ही नहीं लगभग मैंने कहा दो सौ प्लैंक लिए हैं तो इसमें भाई इसमें तो फिफ्टी टू प्लैंक लगने वाले हैं इसमें लग गए पैंतीस प्लैंक इसमें कितना लगने वाला है इसमें पच्चीस इसमें पच्चीस मेटल हो चुका है ठीक है मेटल हो चुका है इसमें मेटल इसमें भी मेटल हो चुका है वो ठीक वो बढ़िया 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 इसमें इसमें मेटल हो चुका है टिट यार तो अपने तो रेडी है सब कुछ आ, चलो बढ़िया एक नंबर लल्लन टॉप लल्लन टॉप बढ़िया इसको लगा था इसके अंदर तो लाभ भाई इतना जल्दी बनाने वाले ना अपन लोग ना भाई क्या बोलूँ मैं जा सेम सेम तो ऑल राइट गया मैंने सारे प्लैंक को नीचे रख दिया अब इनसे प्लैंक को अपन लोग बनाते हैं ठीक है तो काम कर रहे हैं जितना हो सके अपन जल्दी बनाएंगे तो आई थिंक मेरे को लगता है कि चौबीस प्लैंक और लगभग सेवेंटी सिक्स प्लैंक लगने वाले हैं ठीक है बट यार कुछ भी कहो इसके अंदर अगर हम मुर्गी रखें ना भाई अपन लोग मतलब मुर्गी का तादाद कम से कम सौ से कम तो रखने वाला है नहीं इसके अंदर भाई अपना पूरा मुर्गी मुर्गी भर देंगे ताकि अपने लोग मुर्गी से जितना हो सके अपना बिजनेस कर पाएँ और अपन लोग का पिक का बिजनस तो ही रहा है तो पिक का बिजनेस भी काफ़ी कम है नहीं यार पिक का बिजनेस भी काफ़ी सही होता है बट हाँ थोड़े बहुत गेम के अंदर ग्लीचेस भी हैं जिसके वजह से हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है बट ठीक है ज़्यादा भी नहीं नॉर्मल ठीक ही ठाक है तो ऑल राइट गाइज आप लोग यहाँ पे देखो मैंने इस वाले चिकन हाउस को कंप्लीट कर दिया भाई कुछ भी गेम थोड़ी बहुत लैग कर रही है भाई ओके ओके गाइस आप यहाँ पे देखो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है अपना ये वाला चिकन हाउस काम कर खोलता हूँ ओ वेट ठीक है यही एक डोर है और इसके अंदर ये भी खुलता है तो ये सही चीज़ है मतलब पीछे से आराम से और ये अंडे का एरिया यहाँ पर मुर्गी सब अंडा देती हैं तो ये कहीं ना कहीं सही भी है एक तो काम करता हूँ इसको बंद करता हूँ ठीक है ओके बंद इसको बंद कर दिया इसके अलावा ये सब ओपन होता नहीं है और इससे ओपन होता पट हाँ का मजे के बाद ये है अगर हम लोग इसके अंदर लगा देते हैं लाइट सब बल्ब सब तो भाई हंड्रेड इंटू टू एक्स हो जाएगा समझ लो ये काम करता हूँ अपन लोग वेट ये भी कम्प्लीट करना पड़ेगा ना क्योंकि इनको चाहिए पानी बट वेट मेरे पास एक मुर्गी है ये एक मुर्गी है और ठीक है एक अंदर मुर्गी है और ये लोग कितने सारे अंडे दे दिए भाई क्या खतरनाक अंडे देते दे हैं ये दे लोग बिल कुछ भी कहो अच्छी बात है और ठीक है इसको गेट खोलता हूँ मेरे पास बहुत सारे प्लैंक्स अभी हैं नहीं और ठीक है उसको मैं करता यारू जितना हो सके जल्दी जल्दी अपन लोग इस वाले चिकन हाउस को कम्पलीट करते हैं और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे उस बान उस वाले वाले को कंप्लीट कंप्लीट करने के लिए हाउस भी हम लोग करना है बढ़िया ये भी कंप्लीट हो गया ओके इसमें कम से कम पचास से प्लैंक तो अपने पास लगभग पचास प्लैंक तो है ही यार तो ऑल रेड गाइज रात हो चुका है बट गाइज हम लोगों ने बहुत सारे प्लैंक को अंदर ला रख दिया तो इनसे मैं सोच रहा हूँ ना कि अपन लोग कल सुबह में इनसे प्लैंक को चिकन हाउस में यूज़ करने वाले हैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि आप पता दो चिकन दोनों चिकन चले गए तो और देखो इसमें लगने वाले लगभग सौ वुड प्लैंक बढ़िया इस मेटल मेरे पास है नहीं तो अभी हम इसको बनाएंगे नहीं दूसरा रहा ये वाला अपना जो इसमें चाहिए सिक्सटी फाइव प्लैंक फोर प्लैंक हो चुका है इसके बाद इसमें चाहिए लगभग ट्वेंटी प्लैंक ये भी हो जाएगा इसमें चाहिए फिफ्टी प्लैंक लगभग मेरे पास है तो लगता है अगर हम लोग सुबह उठेंगे ना तो सारे प्लैंक कंप्लीट हो जाने वाले एक काम करता हूँ इसे खोलता हूँ और इसके अंदर मुर्गिया के अंडे भी देंगी तो इसको मैं बंद करता हूँ चलो वो कोई दिक्कत नहीं काम करते आप लोग निकलते हैं यहाँ से और सो जाते हैं सुबह में उठ के आएंगे और आराम से सारे चिकन हाउस को कंप्लीट कर डालेंगे और रेड गाइस फाइनली सुबह हो चुका है और आप यहाँ पे देखो तो एक बार अपने चिकन हाउस को क्या ही प्यार लग रहा है देखो क्या ही ओसम लग रहा है ठीक है इसके ऊपर हम लोग उड़ नहीं सकते बट वेल एक काम करते हैं उसको खोलता हूँ और इसको मैं बंद करता हूँ चलो गाइस आ जाओ फटाक से हम लोग अपन लोग काम लग जाते हैं एक काम करता हूँ सबसे पहले हम लोग इन सब भी कम्प्लीट करता हूँ क्योंकि अपन लोग खाने में कमी नहीं होना चाहिए मुर्गी सबको इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया बढ़िया और इसको ले लेता हूँ अपन लोग मोटिवेट ये वाला हम लोग कम्प्लीट कर दे क्योंकि ये वाला मैंने यहाँ पर आई थिंक बना रखा है और हाँ गेम के अंदर भाई केवल चार ही पाँच चिकन चिकन का हाउस है तो लगभग अपन लोग बना ही लेंगे बढ़िया इसमें भी ये पैंतीस प्लैंक हो चुके हैं अपन लोग का और यहाँ पे ये यह भी आठ प्लैंक आई थिंक और ठीक है थर्टी सिक्स प्लैंक ठीक है और यहाँ पे कितना फोर्टी फोर प्लैंक हो चुके हैं यार मेरे पास मैं प्लैंक तो अपना बस कम ही नहीं है अपन प्लैंक कम ही नहीं है फिफ्टी टू प्लैंक लगभग और सोलह प्लैंक ये रहे अपना आठ प्लैंक इसमें और आठ प्लैंक उसमें कम में, में सोलह प्लैंक हो जाएंगे बस से और फाइव प्लैंक तो आई थिंक ये रहा ठीक है ओके बॉयज फाइनली ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसका हम डोर ओपन कर लेते हैं बढ़िया और यार ये डोर एक मिनट ये भी डोर ओपन है ये भी विंडो है ये तो सही चीज़ है इसमें ओपन करता हूँ ताकि मुर्गी इसके अंदर नहीं इसको बंद करता हूँ इसको बंद करता हूँ आई oh, थिंक सब ठीक ही ठाक है ना वो oh, विंडो है ये विंडो ओपन करता हूँ ताकि मुर्गी साहब को हवा भी लगे और इसका मैं विंडो यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ बढ़िया ये भी कंप्लीट हो गया खाना में कमी नहीं बिल्कुल खाना में कमी नहीं चाहिए गाइस इसमें चाहिए हम लोग को फिफ्टी प्लैंक मेटल हो चुका है तो मैं कोच रहा हूँ कि मैं इसको कंप्लीट कर दूँ क्योंकि इसमें केवल बीस प्लैंक और मेरे पास अभी तकरीबन बीस प्लैंक है काम करता हूँ इसको खोलता हूँ आ जाओ खुल जाओ बड़े बस खुल गया सिम सिम ओके बॉयज देखो मेरे पास अभी आठ सोलह चौबीस बत्तीस और बत्तीस चालीस मेरे पास शिफ्टी प्लैंक है तो वे काम करते हैं अपन लोग उसको कंप्लीट कर डालते हैं और जो अपना मेन बड़ा सा चिकन हाउस है तो मेरे पास डबल हो जाएगा तो उसको मैं कम्प्लीट करूँगा अगले एपिसोड के अंदर और सोलह प्लैंक लगभग और कम से कम थर्टी फाइव प्लैक काम करते हैं फटाख सब करते हैं फिल आप तो ऑल रेड गैस मैंने सारे प्लैंक को चिकन हाउस के अंदर ला रख दिया है अब चिकन हाउस को बनाने के लिए बस इन सब प्लैंक को जाके लगाने पड़ेंगे लेट्स को बॉयज इस फटाक से करते चिकन हाउस को कंप्लीट वैसे क्या देखो इस वाले एपिसोड के हम लोगों ने बहुत सारे चिकन हाउस को कंप्लीट कर डाले जैसे कि अपना ये हाउस हो गया इसको मैंने कंप्लीट कर डाले और इसमें लगभग सौ प्लैंक और सेवेंटी फाइव मीटर लगे वेल ट्वेंटी फोर प्लैंक और लगने वाले इसमें तो सिक्स प्लैंक यहाँ पे अपना तो आई थिंक मेरे को लगता है सिक्स ठीक है और ओनली सोलह अठारह प्लैंक अठारह प्लैंक तो ये रहा आठ वाला प्लैंक इसको मैं बनाया तो और हाँ गाइस देखो सारे पॉट को बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुर्गी खाना उसी से खाने वाली है खाना और पानी के लिए भाई बिल्कुल कमी नहीं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंडे देती है और अंडे आप कलेक्ट करते करते बिल्कुल आप बोर हो जाओगे ओके okay, फोर्टी एट प्लैंक हो चुके हैं इसमें वेट वेट अ सेकेंड हाँ यहाँ पर एक और प्लैंक है अपना आठ प्लैंक तो मैं कैसे इसके अंदर हम लोग रखेंगे एक ही पर लाएंगे सौ सौ या फिर पचास पचास मुर्गी मुर्गे ताकि आराम से प्रोडक्शन भी हो पाए बड़े और इसमें चाहिए कम से कम चौदह प्लैंक तो आई थिंक मुझे लगता है कि चौदह प्लैंक और ठीक है ओ वेट आठ प्लैंक दो दस नहीं नहीं फिर भी नहीं हो पाएगा वेल गाइज और ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओके ये गेट खोलता हूँ मैं इस साइड और ये गेट खोलता हूँ इस साइड ये नहीं ये तो वो नहीं ये विंडो है नहीं ओके बढ़िया तो ऑल रेड गाइज आप लोग यहाँ पे देख लो आज के इस वाले एपिसोड के हम लोगों ने इतने सारे चिकन हाउस को कंप्लीट कर डाला अब मजे की बात यह है कि इस वाले हाउस को ऐसे रखने वाले इसके अंदर लगभग पचास से सौ मुर्गी रखने वाले आप लोग कमेंट करो कि कितना मुर्गी रखने वाले तो होप यही था एपिसोड एपिसोड को लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना